हिमाचल पथ परिवहन निगम पीसमील कर्मचारी मंच की टूल डाउन स्ट्राइक नियमित रूप से जारी है। इसी कड़ी में रविवार को भी एचआरटीसी पीसमील कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सुंदरनगर मंडी सरकाघाट सहित विभिन्न डिपो के वर्कशॉप के बाहर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने अनुबंध में लाने की मांग सरकार से की। वह सरकार को 15 दिसंबर तक अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 3 दिन में मांगे नहीं मानी तो टेक्निकल यूनियन के कर्मचारी भी 2 घंटे की टूल डाउन स्ट्राइक पर चले जाएंगे। इसके लिए जो भी कामकाज प्रभावित होगा उसके लिए सरकार और निगम का प्रबंधन वर्ग जिम्मेदार होगा। सबसे पहले हिमाचल परिवहन तकनीकी कर्मचारी संगठन और संयुक्त समन्वय समिति का पूरे पीसमील कर्मचारियों की ओर से दिल समर्थन करने पर दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इन पीसमील कर्मचारियों की पीड़ा को समझा और हमारा समर्थन करने का ऐलान किया। आज पीसमील कर्मचारियों की हड़ताल भी निरंतर जारी है। निगम प्रबंधन और प्रदेश की सरकार अभी भी गहरी निद्रा में सोई हुई है। अगर प्रदेश सरकार और निगम प्रबंधन का यही अड़ियल रवैया रहा तो आने वाले दिनों में हमें मजबूरन रोड पर उतरना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी निगम प्रबंधन और प्रदेश सरकार की होगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं घनश्याम ठाकुर, प्रदेश प्रेस सचिव, पीसमील कर्मचारी मंच। आज हमारा कूल डाउन स्ट्राइक का 13वां दिन जारी है और अभी तक हमें सरकार और निगम प्रबंधन द्वारा कोई भी ऐसा संदेश प्राप्त नहीं हुआ है जिससे हम अपनी कूल डाउन स्ट्राइक को बंद करें। जबकि हमारे तकनीकी कर्मचारी भाई ये हमारे साथ 6 तारीख से हमारे साथ गेट मीटिंग कर रहे हैं और उनका मानना है अगर 15 दिसंबर तक पीसमील कर्मचारियों की मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो वह 2 घंटे की टूल डाउन स्ट्राइक करेंगे। और उसी तरह से जेसीसी के पदाधिकारियों ने भी हमारी मांग को माना हुआ है और उन्होंने कहा है कि अगर निगम प्रबंधन और सरकार जल्दी इस मांग को पूरा नहीं करती है तो सारे कंडक्टर भाई ड्राइवर भाई एक साथ एक मंच में खड़े होकर पीसमील कर्मचारियों के लिए उनको अनुबंध में लाने के लिए उनके साथ खड़े होंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुंदरनगर से जसबीर सिंह की रिपोर्ट।